सभी साधकों का स्पिरिचुअल लिविंग कोर्स के आज के सातवें सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने प्रथम सत्र में जाना अध्यात्म क्या है, फिर जाना आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए, फिर जाना आलस्य क्या है और कैसे इससे बाहर निकलें, क्रोध एंगर क्या है कैसे इससे बाहर निकलें, ईर्ष्या जेलसी क्या है और कैसे इससे दूर जाएं, कंपटीशन किससे हो किससे ना हो। हमने जाना अहंकार ईगो और हमने जाना सत्य ट्रुथफुलनेस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी ट्रुथफुल इन लाइफ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक वन स्टेप अहेड फॉरवर्ड। जिस व्यक्ति ने आलस्य का त्याग कर दिया, जिस व्यक्ति ने क्रोध का त्याग कर दिया, जिसने ईर्ष्या का त्याग कर दिया, जिसने अहंकार का त्याग कर दिया और जिसने सच बोलना सीख लिया, वो क्या हो गया? आनंदित हो गया। वो क्या हो गया? निर्भीक हो गया। उसके जीवन से भय दूर हो गया। और जिसके जीवन में भय नहीं है, समझो वो स्वस्थ है तन के धरातल पर भी, मन के धरातल पर भी। इसको थोड़ा साइंटिफिकली अगर आप समझते हैं, इसकी जरा एनाटॉमी वाइज समझो। देखो, जो व्यक्ति हमेशा क्रोधित है, गुस्से में क्या होता है, आपकी चेहरा भी बिगड़ जाता है, आपका पूरा शरीर टाइट हो जाता है, आपकी नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा, जब व्यक्ति क्रोध करता है तो इतना गुस्सा आता है कि या तो पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिटिक अटैक पड़ जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, बीपी शूट कर जाता है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल आपकी बॉडी की कंडीशन है, जब आप रिलैक्स हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है, आपकी नसें खुली हुई हैं, कोई टेंशन नहीं है नर्व्स में ब्लॉकेज नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, वहीं जब आप गुस्से में आए तो सारा शरीर तन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नसें कॉन्ट्रैक्ट हो गई और रक्त का प्रवाह जो उन नसों से होना था वो बाधित हो गया और एट द स्पॉट पैरालिसिस, हार्ट फेलियर, बीपी शूट कर जाना, ये सब हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है जब आप भयभीत होते हैं। जब आप भयभीत होते हैं तो क्या होता है? जब आपके अंदर डर होता है तो क्या होता है? तो आप जो झूठ बोलता है वो भयभीत होता है, क्योंकि उसके मन में तो ये भय है ना, मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा। ऑल द टाइम देयर इज अ फियर। फियर मींस अगेन कॉन्ट्रैक्शन। जो व्यक्ति निर्भीक है वो सीना तान करके रहता है, वो कमर सीधी करके रहता है, वो सर उठा करके जीता है। वहीं जो डरा हुआ है, जो झूठ बोल रहा है, जो भयभीत है, वो हमेशा थोड़ा डरा हुआ, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होगी। इवन इन योर बॉडी लैंग्वेज इट कैन बी सीन। ये किसकी बॉडी लैंग्वेज है? जिसके भीतर स्वाभिमान है, अहंकार नहीं। अहंकार वाले की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जिसके अंदर स्वाभिमान है, जिसे परमात्मा पर विश्वास है, जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी। जो भयभीत है, जो डाउटफुल है, जिसके अंदर सेल्फ डाउट है, जिसके अंदर ट्रस्ट नहीं है किसी के प्रति, वो हमेशा ऐसा डरा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी। आजकल आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों की बॉडी लैंग्वेज ये होती है। तो इसको जरा ऊपर करो, इसको जरा पीछे करो, कमर को जरा सीधे करो, सीधा बैठना सीखो। अब जो निर्भीक है, जब वो एक्सपेंशन के साथ अपने आप को होल्ड करता है, तो उसके लंग्स का एक्सपेंशन होता है, उसके जो कॉन्ट्रैक्टेड नर्व्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं, वो रिलैक्स्ड है ना, तनाव नहीं है, भय नहीं है किसी चीज का। हमें ना किसी से कंपटीशन, ना हमें किसी से ईर्ष्या, ना हमें किसी से राग, ना हमें किसी से द्वेष, ना हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस। मैं तो जान चुका हूं, मैं और परमात्मा का बल बस बहुत है मेरे लिए। और तब आप खुल करके जीवन जीते हैं, तो आपके ब्लड का फ्लो एंड ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बेहतर तरीके से होता है। और जैसे ये होगा, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगे, आपके ब्लड प्रेशर इश्यूज दूर होने लगेंगे, आपको सियाटिका, जॉइंट पेन, बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, ये सब दूर होने लगेगा। तो अब इसका उल्टा क्या है? यानी वहां कॉन्ट्रैक्शन है, और जरा दोनों हाथ खोल लो एक बार,
पेट को ढीला छोड़ दो, सीने को ढीला छोड़ दो, और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर, एक दो क्या हुआ, चेहरा लाल होने लगा, ब्लड का फ्लो अपवर्ड होने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे रक्त का संचार नीचे की ओर रहता है, उसको हमने अपवर्ड कर दिया, उसको हमने ऊर्ध्वमुखी कर दिया, हमारे सीने का एक्सपेंशन हुआ, हमारे ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में, हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर टेंस नर्व्स थी वो रिलीज हो गई, एक्सपैंड हो गई, उसके अंदर से ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से सब जगह जा रहा है, ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर तरीके से हो रहा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई। तो आध्यात्मिक व्यक्ति मुरझाया हुआ बुझा हुआ नहीं होता है, वो हास के साथ जीवन को जीता है। और आज का हमारा विषय है लाफ्टर। तो अगर आप जीवन में सचमुच खुश रहना चाहते हैं, आप जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, अब जब आपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, ईर्ष्या पर नियंत्रण पा लिया, आलस्य पर नियंत्रण पा लिया, अहंकार पर नियंत्रण पा लिया, झूठ पर नियंत्रण पा लिया, सत्य का पालन कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है कि आप हास का पालन करें। और हास क्या है उसको आज समझ लेते हैं। हम सब का हमने पहले ही दिन समझ लिया था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ, आई वांट टू बी हैप्पी, सुख चाहिए, और हैप्पीनेस तो फिर भी वो छोटी चीज है, मुझे स्टेट ऑफ ब्लिस चाहिए। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा अगर आप रोज अपने आप से कहो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। आप एक दिन दुखी हो जाओगे। आप रोज अपने आप से कहो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, आप खुश होने लगो। दिस इज हाउ आप दूसरों को छोड़ दो। अगर आपको आपको शिखा मैं तुमको कहूं कि आज तो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, तो क्या करोगी तुम? पर तुमको कॉन्फिडेंस है कि मैं तो अच्छी लग रही हूं, तुम्हें लगेगा नहीं नहीं गुरु माँ को देखने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, मैं तो आज बहुत तैयार होके आई हूँ। अगले दिन फिर तुम आई, मैंने तुम्हें फिर कहा शिखा आज कुछ बीमार सी लग रही हो, शिखा बोलेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इफ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, वरना अब तक तो डामाडोल हो जाएगा मामला। और शिखा बोलेगा नहीं 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 आई एम तो वेरी गुड। तीसरे दिन फिर आई शिखा, शिखा आज तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी शिखा को सेल्फ डाउट होना शुरू होगा। शिखा जाके जरा शीशे में देखेगी मैं ऐसा क्यों लग रहा था। चौथे दिन फिर मैं तुम्हें कहूँ, दसवें दिन तक आते आते तुम ये मानने लगोगी मेरे कुछ तो प्रॉब्लम, मेरी आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए, मैं आज अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि रिपीटेडली जिस चीज को हम अपने आप को बताते हैं, आपको पता है ये झूठ है, लेकिन 100 बार तक आपको पता होगा झूठ है, 101वीं बार वो झूठ सच लगने लगता है। दिस इज द रियालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे ही आप जो अपने आप को कहते हैं, तभी तो एक्टर्स के लिए भी कहा जाता है ना एक जैसे रोल्स नहीं करने चाहिए। जब आप थिएटर करते हो ना तो एक चरित्र को बहुत लंबा नहीं, एक जैसा कैरेक्टर नहीं करना चाहिए। और जो सात्विक अभिनय होता है जैसे रामलीला होती है, तो जो जो श्री राम का चरित्र कर रहा है वो श्री राम का ही चरित्र कर रहा है, तो कुछ समय बाद उसके जीवन में वही चरित्र बनने लगता है। कोई विलन का रोल कर रहा है वही कर रहा है वही कर रहा है वही कर रहा है वही कर रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। तो कुछ समय बाद हम अपने आवरण को, अपने अभिनय को रियलिटी मानने लगते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बड़ा महंगा सा घर लिया, उसमें बड़ा बढ़िया वाला काउच लिया, सोच के तो लिया था कि भाई जीवन में खुश हो जाऊंगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया घर होगा, बढ़िया बेड होगा, बढ़िया सोफा काउच होगा, खुशी से सुख से जीवन जीऊंगा। अब वो घर आया, उसको सर में बहुत दर्द हो रहा था, उसने कहा अरे भाई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सबने कहा भाई इनको परेशान नहीं करो, इनके सर में दर्द हो रहा है। अब वो बैठ गए, बच्चे आके खेलने आने लगे, तो पत्नी ने कहा नहीं 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 पापा के सर में दर्द हो रहा है बेटा अभी जाओ। फिर कुछ
गेस्ट आए, नहीं, उनके तो आज जरा थोड़ा सर में दर्द है। फिर कोई परिवार वाला, नहीं, उनके तो सर में दर्द है। सारी फैमिली बैठ के पिक्चर देखने लगी, नहीं, पापा को छोड़ देते, पापा के सर में दर्द। बेचारा उसका सर दर्द ठीक भी हो गया है, लेकिन इतना बड़ा प्रेशर उसने अपने ऊपर, अब वो कैसे मान लेगी उसका सर दर्द ठीक हो गया। दिस इज समथिंग विच वी हैव क्रिएटेड बाय रिपीटेडली सेइंग इट। तो जो हम बोलते हैं ना, वो कुछ समय बाद घटित होने लगता है, और जो हम करते हैं, जैसा जीवन हम जीते हैं, जो आपने जो मान लिया आप वो हैं, बस वो ही आप हैं। आप जीवन में कौन निर्धारित कर रहा है कि आप कौन है? आप निर्धारित करते हैं। आपने मान लिया आप ये हैं, तो आप वो ही हैं, और वही दुनिया भी मानेगी कुछ समय बाद। इसलिए हास क्यों जरूरी है? जब आपसे पूछो, राजन कैसे हो तुम? बस गुरु मैं ठीक है, तो फिर वो ठीक है ही रहेगा है? वही मैं पूछू, हिमांशु कैसे हो तुम? गुरु मैं आनंद, बस प्रभु की बड़ी कृपा, सब बहुत बढ़िया। तो सब बहुत बढ़िया ही होगा। ऐसे ही जब तक आप हंसेंगे नहीं, आप खुश नहीं होंगे, फर्स्ट यू हैव टू एक्ट, फिर हम हास के आगे के स्टेजेस पे जाएंगे। तो पहला स्टेज क्या होती है? सबसे नीचे की स्टेज होती है उपहास। सबसे नीचे की स्टेज होती है उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। जब आप उपहास करते हैं, तो आप किसी को दुख पहुंचा करके, उसकी मजाक उड़ा करके आनंद ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये बहुत निचले स्तर का हास होता है। दूसरी स्टेज होती है परिहास, जो मित्र आपस में करते हैं। दो दोस्त हैं, दो सहेलियां हैं, ही एक दूसरे से बात करके हंसते हैं, ये परिहास है। ठीक है, ये सेकंड लेवल का हास है कि भाई आपस में हम खुश हो गए। फिर आता है तीसरा स्तर। तीसरा स्तर होता है अट्टाहास, योगिक लाफ्टर, जो आप अभी किया और अब आगे करेंगे रेगुलरली। और फिर होता है अंतःहास, भीतर का हास, जिसमें बाहर से हंसने की भी जरूरत नहीं होती, बस अंदर से हम हमेशा आनंद में रहते हैं। उस स्थिति पर हमें पहुंचना है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको, आपने बचपन में उपहास भी किया होगा, क्लास वगैरह हमें बड़े कर लेते थे, है ना, अच्छी बात नहीं करना चाहिए। फिर आपने परिहास भी किया, एक एज आती है जब आप क्लास में बैठे तो पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही, बस आ रही है, ही। टीचर भी कह रहा, अरे भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, बट हम हंसते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं, मतलब वो शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं, एक एज की हंसी, परिहास मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सखियों के साथ। फिर अट्टाहास, जो हम अभी कर रहे हैं और समझते हैं इसको आगे, एंड देन भीतर का हास हमारा। ये चार स्टेजेस हैं लाफ्टर की। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अट्टाहास, जिसे हम भारत योगा लाफ्टर कहते हैं? क्या होता है अट्टाहास में? पहले उसकी फिजियोलॉजी को समझो। जब आपको दिन में 5 बार कम से कम अट्टाहास का अभ्यास जरूर जरूर करना चाहिए, मतलब हमको दिन में कम से कम 5 बार अट्टाहास जरूर जरूर करना चाहिए। अट्टाहास करने से सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि आप के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो तुरंत डिक्रीज हो जाते हैं। आपका पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली होने लगता है, आपके कॉन्ट्रैक्टेड नर्व्स खुल जाती हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का फ्लो। महामारी के समय पर, एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक, आप सब जानते हैं मोक्षायतन योग संस्थान वो पहला इंस्टीट्यूट था, पहला योग संस्थान था विच केम अप विद दी कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। तो हमने, पहला इंस्टीट्यूट था जिसने ये वंदनी गुरुदेव के मार्गदर्शन में, और बहुत बड़ी टीम ऑफ डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, डाइटिशियंस, योग विशेषज्ञ, सब मिल करके ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। और इससे वी हैव, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, मिलियंस ऑफ लोगों को हमने हील किया। जब ये प्रोटोकॉल बनी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बट अट्टाहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आपने हमें टेलीविजन चैनल्स पे बहुत देखा होगा उन दिनों, हमने पेट के बल लेट करके
कैसे आप ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए। साथ में हम बार बार अट्टहास के बारे में, आई वॉज वेरी वोकल। जब आप टेंस होते हैं वैसे ही आपकी नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब एक तो एक ऐसा वायरस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है, दूसरा जब वो सांस लेने में वैसी कमी हो गई, फिर आप पैनिक कर जाते हैं। वहीं जब आप दिल खोल करके हंसते हैं, आपके चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। आपकी अधिकतर, और अधिकतर कहना अगर ये कहूँ कि सभी रोगों में ये लाभकारी होता है, कोई अतिशोक्ति नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप आध्यात्मिक जगत में देखते हैं, साइंटिफिकली भी देखो, तो जीवन एक चक्र है, जीवन एक रेखा नहीं है। लाइफ इज नॉट अ लाइन, लाइफ इज अ सर्कल। इन अ सर्कुलर थिंग, वट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। जो भी आप देते हो वही लौट करके आता है ना। तभी तो देखो ना, जो धार्मिक स्थान होते हैं उनके टॉप भी सर्कुलर होते हैं, मेडिटेशन के प्लेसेस के टॉप सर्कुलर होते हैं, फिर पृथ्वी गोल, फिर आपका खोपड़ी गोल, फिर आपका तालू गोल, फिर कुछ के यहाँ पे भी गोल, जो कि नहीं होना चाहिए पर है। भारत योग की साधना करेंगे तो वो भी दूर होगा। वट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। इकोसिस्टम काम करता है, इसलिए जीवन में जो आप देते हो वही लौट करके आता है। यू गिव स्ट्रेस, यू गेट स्ट्रेस बैक। यू गिव टेंशन, यू गेट टेंशन बैक। यू गिव लव, यू गेट लव बैक। आप किसी को टेंशन, तो आपको भी टेंशन होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तभी तो आपकी मान संस्कृति में सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी रहेंगे तो मैं अपने आप सुखी रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरा पड़ोसी दुखी और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब आप हास देते हैं तो हास लौट करके आता है, आप प्रेम देते हैं तो प्रेम लौट करके आता है, आप कंसर्न केयर देते हैं तो वही लौट करके आती है, आप टेंशन स्ट्रेस एंग्जाइटी देते हैं तो वही लौट करके आता है। इसलिए जब आप हास देते हैं, आप ये कंटेजियस होता है, कोई एक व्यक्ति हंस रहा है ना, दूसरे भी आसपास देख के उसे हंसने लगते हैं। एंड देन मोर ओवर वी हैव टू मेक इट अ नॉर्मल थिंग। आजकल किसी से कहो कोई हंसने लगे एक सोशल गैदरिंग में, पागल है, वहीं कोई गया, आई एम वेरी टेंस्ड, ओह पुअर पुअर फेलो, ही इज टेंस्ड डिप्रेस्ड टेंस्ड। इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया, हास आनंद हंसना इसको हमने बना दिया, और ये तो कुछ अजीब सी बात हो रही है, ऐसे कौन हंसता है। तो हमें ये परसेप्शन को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हास इज नॉर्मल, लाफ्टर इज नॉर्मल, ब्लिस इज नॉर्मल, बिकॉज वी आर बॉर्न टू बी एट ब्लिस, वी आर बॉर्न टू बी हैप्पी। स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी इज नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट माई रूट नेचर, ये मेरा मूल स्वभाव है ही नहीं भाई, कैसे नॉर्मल हो सकता है। हाँ, हास मेरा मूल स्वभाव है, हास मेरा मूल स्वभाव है। तो आज का हमारा होमवर्क क्या है कि आपको दिन में 5 बार एनी टाइम एनी प्लेस अट्टहास करना है, ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, और ये लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेकर के चलिए। एंड आई कैन एश्योर यू 90% ऑफ योर फिजिकल एलिमेंट्स, 99% ऑफ योर माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल बी गॉन, एंड 100% यू विल एक्सपीरियंस spiritual elevation, and this shall be a part of your everyday spiritual living. अट्टहास, तो आओ कैसे करना है इसको, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। पेट को ढीला छोड़ दोगे, सीने को ढीला छोड़ दोगे, दोनों हाथों को खोल दोगे, एक दो एंड देन यहां तक खत्म नहीं हुआ, इतनी खुशी नहीं। हाथ वापस लाओ, आंखें बंद, कमर सीधी, एंड लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। इस हास को अपने ऊपर बरसने दो, जैसा अभी समझा कि जो दोगे वही लौट कर आएगा। तनाव दोगे, चिंता दोगे, स्ट्रेस दोगे, एंग्जाइटी दोगे, टेंशन दोगे, वही लौट कर आएगी। क्रोध दोगे, वही लौट कर आएगा। आनंद दोगे, हास दोगे, तो वही लौट कर आएगा। Let this laughter shower back on you. Now, be grateful for this breath. Be grateful for this body. Be grateful for this heartbeat. Be grateful. हर चीज के लिए धन्यवाद, और मुझे मेरे गुरु से मिलवाने के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज मैंने
अपने ही भीतर के इस हास को जाना, आज मैंने अपने भीतर के इस आनंद को जाना और ये सब गुरु सानिध्य से संभव हो पाया। हे प्रभु, मैं कोटि कोटि धन्यवाद का भाव रखता हूँ इस तन के लिए, इस मन के लिए, इस बुद्धि के लिए, इस विवेक के लिए और मुझे भारत योग की इस स्पिरिचुअल जर्नी पर चुनने के लिए। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल लिविंग। जॉइन योर हैंड्स, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड देन स्लोली ओपन योर आईज। तो ये आपने आज हास को समझा, लाफ्टर को समझा, अट्टाहास को समझा और आज का होमवर्क ये है कि 5 times a day वी हैव टू डू इट विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। संक्रामक साधक बनना है, उनको भी लगाओ, उनको भी अपने साथ हंसाओ और हमको ये एवरी डे वी हैव टू डू इट एवरी डे 5 times। ठीक है, अब आप लोगों के प्रश्न ले लेते हैं, अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बताइए।